प्यार मतलब जो लव मैरिज करते हैं वो बाद में पछताते हैं, मुझे नहीं लगता वो लव मैरिज वाले पछताते होंगे, फिर तो लव ही लव होता है शादी के बाद। सीमा हैदर को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं। सीमा हैदर जो अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से इंडिया आ गई और प्यार के लिए बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन अब सीमा हैदर का असली सच आया सामने। चार बच्चों को लेकर आई सीमा ने जो पहली शादी की थी वो भी भाग कर की थी। वहीं इंडिया में हर किसी को शक है कि सीमा एक जासूस हैं। आखिर सीमा हैदर का असली सच क्या है और क्या है इनकी असली कहानी? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं चार बच्चों की मां की प्यार की असली कहानी और ये पाकिस्तान से इंडिया क्यों आई, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सीमा हैदर की बात करें तो इन्होंने पहले भी भाग कर शादी की थी और इनके पति का नाम गुलाम हैदर है और इनके चार बच्चे हैं। सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसीलिए इन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। और इसके बाद 2019 में जब पबजी आया तो सीमा ने पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया और इनकी मुलाकात वहां सचिन से हुई। सीमा और सचिन पबजी खेलते खेलते एक दूसरे से बातें करते और इनकी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। और फिर क्या, सीमा और सचिन को एक दूसरे से प्यार हो गया और प्यार की खातिर ये बड़े बड़े वादे करने लगे। और इसके बाद मार्च 2023 में ये काठमांडू में मिले और पशुपति मंदिर में इन दोनों ने शादी की। और इसके बाद सीमा ने सचिन से कहा कि वो उनके बिना नहीं रह सकती, तो सचिन ने कहा कि वो सीमा के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे। पर सचिन के हाथ में तो ओम का टैटू था, तो सीमा ने कहा कि अगर वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान वाले उन्हें मार देंगे। और फिर क्या, सीमा सात समुंदर पार करके पाकिस्तान से इंडिया अपने प्यार की खातिर आ गई। इतना ही नहीं, सीमा अपने चारों बच्चों को साथ लेकर आई और अपने पति को वहीं छोड़ दिया। जब पुलिस वालों को ये पता चला कि सीमा पाकिस्तान से आई हैं, तो सीमा को पहले तो अरेस्ट कर लिया गया। और जब सीमा से पूछा गया तो उनका तो कहना यही था कि वो सचिन से प्यार करती हैं और वो कोई जासूस नहीं है। पर सीमा का तो कहना यही है, अगर इंडिया में कोई उन्हें मार भी देगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, पर वो सचिन को छोड़कर पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगी। वैसे दोस्तों, आप इस प्यार को क्या नाम देंगे? सीमा ने पहले भी भाग कर शादी की थी और उनके चार बच्चे हैं। चार बच्चे होने के बाद भी सीमा को सचिन से प्यार हो गया और उनकी खातिर वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई। वैसे आपको क्या लगता है, सचिन और सीमा सही कर रहे हैं या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन ज़रूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइस। प्यार मतलब जो लव मैरिज करते हैं वो बाद में पछताते हैं, मुझे नहीं लगता वो लव मैरिज वाले पछताते होंगे, फिर तो लव ही लव होता है शादी के बाद।